तो मिल रहे हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही तीखी टेस्टी स्पाइसी धनिया पुदीने की चटनी। तो नमस्ते दोस्तों, वीएस किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। ये चटनी इतनी टेस्टी होगी कि इसके आगे सब्जी भी फीकी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने लिया है धनिया और पुदीना और एक प्याज, एक टमाटर, और यहाँ पे लिए हैं चार हरी मिर्च जिनको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है, 3 कलियां लहसुन की, और ये नमक, बस यही जाएगा इसके अंदर। इसमें इतनी टेस्टी और इतनी स्वाद चटनी बन के रेडी होगी। तो चलिए इसे मैं बनाऊंगी कुंडे में। तो यहाँ पे हम मिक्सी का यूज़ नहीं करेंगे। तो लीजिए, पहले हम हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से इसके साथ कूट लेंगे, क्योंकि जो स्वाद इस तरह कुंडी सोटे में चटनी बनाने का है वो मिक्सी में कभी नहीं आता। तो इस तरह से हम इसे पहले इसलिए हरी मिर्च और लहसुन को कूट रहे हैं क्योंकि बाद में ये चटकेगा नहीं। तो लीजिए, बिल्कुल बारीक से पेस्ट बन गया है इसका, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो हमने धनिया और पुदीना लिया था। तो यहाँ पे जो धनिया पुदीना है, इसमें मैंने धनिया से ज़्यादा पुदीना लिया है क्योंकि ये पुदीने की स्पेशल चटनी है जिसमें पुदीने की ज़्यादा खुशबू आएगी। बाकी आप दोनों चीज़ बराबर भी ले सकते हैं। तो लीजिए, फिर हम इसे अच्छी तरह से देखिए इस तरह कूट लेंगे। बिल्कुल बढ़िया सा पेस्ट बन गया है। तो लीजिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये धनिया पुदीना लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से रगड़ लिया है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि जो हरी मिर्च है, जब हम इसमें प्याज और टमाटर को रगड़ेंगे तो वो जो प्याज है और टमाटर है उनका पानी होता है, तो वो छींटे पड़ते ही पड़ते हैं, तो इसलिए हम इनको निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, ये एक बड़ा प्याज लिया था मैंने। तो लीजिए, इसे भी हम इसी तरह से, सिर्फ प्याज लेना है अभी, नमक नहीं डालना है, बाद में डालेंगे हम इसे। तो देखिए, प्याज को भी हमने रगड़ लिया है, तो इस तरह से बिल्कुल बढ़िया से ये कूट गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या अनारदाना भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, मैं सिर्फ प्याज और टमाटर के साथ बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी सी चटनी बन के रेडी होगी। आप इसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं और आप पराठे के साथ या सब्जी के साथ भी रख सकते हैं, पर ये चटनी इतनी टेस्टी बनेगी कि इसके आगे सब्जी कुछ भी नहीं लगती। तो लीजिए, टमाटर और प्याज को हमने बढ़िया सा रगड़ लिया है, तो इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो लीजिए, नमक डाल के हम इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अब जो हमने धनिया पुदीना और हरी मिर्च लहसुन रगड़ के प्लेट में रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। तो लीजिए, इसे एक बार इस तरह से मिक्स करते हुए, 1 मिनट के लिए और मिक्स करते हुए रगड़ लेंगे। तो देखा कितना फटाफट हमारा टेस्टी यम्मी सा चटनी बन के रेडी हो गया है। एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, चटनी का ऐसा टेस्ट आएगा कि आप फिर इसी में बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए, अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, क्योंकि जब हम मिक्सी में चटनी बनाते हैं तो इसमें पानी पानी सा हो जाता है, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, सारा मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से चटनी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी चटनी बन के रेडी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप उसे देख पाएँ। रेसिपी अच्छी लगी हो कमेंट करके बताइएगा, और आप भी इस तरीके से चटनी बना के देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। तो कल फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।